जी नमस्ते सत श्री अकाल आदाब साडे यूट्यूब चैनल च तुहाडा स्वागत है। तो उम्मीद करदे हां तुसी सारे बहुत वधिया होणगे स्वस्थ होणगे। जी हां दोस्तों मेरा भी प्रणाम स्वीकार कर लो नीरज जी के साथ साथ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पे आप देख लो अभी मैं खेत से आया हूँ सब्जियाँ वगैरह लेकर आया हूँ क्योंकि हमारा छोटा सा गार्डन है उसी में से हम सब्जियाँ वगैरह लेकर। दोस्तों आज नीरज जी कैसी चीज़ बनाने वाली है जिसको देख कर आपके मुँह में पानी 100% आ जाएगा क्योंकि दोस्तों नीरज जी आपको पता है ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं और पंजाब की जो चीज़ें होती हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो मैं जानबूझ के बनवाता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आपको भी दिखाया जाए। तो आज नीरज जी पता नहीं क्या बनाने वाली है। नीरज क्या बनाने वाली है क्या बनाने वाली है? मैं अज बना लगी आलू बोंडा ते भरमा मिर्च की भाजी ते गोभी के पकौड़े गर्मा गर्म। देख लो दोस्तों इतने सारे आइटम आज बनाएगी और आपके मुंह में पानी 100% आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख लो सारी तैयारियाँ यहाँ पे लगभग हो चुकी हैं और यहाँ पे मैंने भी साथ दिया था क्योंकि ये आपको पता ही अकेले तो कुछ कर नहीं पाती है। यहाँ पे हमारी बड़ी मेरी बेइज्जती कर देने वीडियो दे विच भी बेइज्जती क्या है इसमें जो मैं करता हूँ वही तो पता नहीं करता नहीं रोज मैं तेरी हेल्प करता हूँ। ओ माड़ा मोटा हाथ लगा तो कोई हेल्प हो जाती माड़ा मोटा हल्का हाथ लगाता हूँ इतना पूरा हाथ लगाता हूँ पूरा सब कुछ करवाता हूँ वीडियो भी बनाता हूँ और देखो मैं हेल्प भी करवाता हूँ। तो अब ये बात तो छोड़ो दोस्तों अब देख लो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे तैयारी कर ली नीरज जी ने आग वगैरह जला ली है और यहाँ पे अब बनाने वाली है। देखो तीन आइटम बनाने वाली है। वैसे तो आपको पता ही है ज़्यादा कुछ हम बना नहीं सकते और थोड़ी समस्या हमारे घर में चल रही है लेकिन यहाँ पे इतने पर भी आपके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी अच्छी आपको वीडियो दे सकें। तो बस आपको रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो पूरा देखना है स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख लो पहले तो आलू यहाँ पे फोड़ लिए नीरज जी ने और यहाँ पे जो मिर्च वगैरह काट के प्याज टमाटर सब कुछ काट के इसमें मिला लिया। देखो अच्छी तरह से पालक भी पाई थी। हाँ, तो थोड़ी सी यहाँ पे पालक जो मैं लेकर आया था वो भी यहाँ पे डाली थी और साथ में यहाँ पे आप देख लो जो हमने जो बेसन लेकर आए हैं राजधानी का बेसन है ये इसमें डाला जाएगा और थोड़ा सा बेसन डाल लेंगे बाकी आटा डाल लिया है हमने क्योंकि ज़्यादा हमारे पास बेसन है नहीं इतने पैसे नहीं है हमारे पास कि इतना हम बेसन यूज कर सकें। और सबसे पहले यहाँ पे क्या बना रही है मिर्ची दी भाजी। सबसे पहले यहाँ पे मिर्ची दी भाजी बना क्या बोलते हैं पंजाबी समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पे देखो जो बेसन का जो घोल बनाया है वो इसमें यहाँ पे खाना सोडा डाला था क्या डाला था खाना सोडा पाई पहला मिर्चा च ना हो आलू पर ऐसी में मसाला। तो यहाँ पे खाना सोडा डाल के अच्छी तरह से यहाँ पे देखो मिर्चों को और उसमें लिवेड़ के और देखो कढ़ाई में दे दी और कितनी बेहतरीन हमारी जो बाजारी मिर्चें होती है ना उस वो तो खैर नॉर्मल होती है उसमें कुछ भी नहीं होता है इसमें तो आलू भाजी पता ना क्या क्या इसने भराया देखो सारे मसाले भरे हैं। और अब बना रही अब क्या बना रही ये आलू बोंडा आलू बोंडा तो पहली बार नाम सुना है मैंने यार कैसा होता देखो पूरे अंडे की तरह लग रहा है लेकिन यार स्वाद बहुत बेहतरीन लगता है इसका मैंने खाकर देखा था बहुत ज़्यादा स्वाद लगा था एक बार पहले बनाया था इसने ये देख लो किसने बेहतरीन देखने में लग रहे हैं और खस्ता बहुत बनते हैं ना। हाँ, ये बहुत बढ़िया बनते स्वाद भी लगते बहुत बच्चों की बहुत दिन से फरमाइश थी लेकिन हमारे घर में प्रॉब्लम चल रही थी जैसे कि आपको पता ही है तो उसकी वजह से कुछ बना नहीं पा रहे थे लेकिन अभी हमने सोचा कि कहीं से पैसे ले लिए थे थोड़े कर्ज ले लिए थे कि यार कुछ अच्छी वीडियो बना लें तो अच्छे व्यूज आ जाएंगे तो आपके थोड़ा सा हो सकता है हमारा चैनल ग्रो कर जाए इसकी वजह से आज हमने थोड़ा सा कर्ज लिया और अब तब हम बना रहे हैं। तो आपको बस वीडियो आपको ज़रूर लाइक करना है कमेंट करना है शेयर करना है आपको बताना है। तो बाकी आप देख सकते हो कितने बेहतरीन हमारे यहाँ पे जो आलू गोंडा बन चुके हैं और अभी क्या बनाए ये गोभी के पकौड़े है ये गोभी के पकौड़े बन रहे हैं देखो कितने बेहतरीन लग रहे हैं देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नहीं बिल्कुल चिकन है चिकन लग रहा है देखो ऐसा लग रहा है टांग लग रही है मुर्गे की। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीजें हमारी बनके तैयार हो गई हैं ये बोंडा है और ये हमारे गोभी के पकौड़े हैं और नीरज के पसंद के अपने मिर्च भाजी पकौड़े हैं। तो चलिए खा के देखते हैं कैसे बने और आपको बताते हैं कैसा इनका स्वाद है। दोस्तों मैं तो खाऊंगा बोंडा मुझे बोंडा बहुत ज्यादा पसंद है। चलिए हरे धनिया की चटनी के साथ खा के देखते हैं बहुत ज्यादा स्वाद है। सारे आइटम बनाए आज हमने सारी चीजें भाई कर्ज लेकर बनाई है आज हमने। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है शेयर करना है कमेंट करके आपको बताना है कैसी हमारी चीजें बनी है। अगर नहीं करोगे तो आगे से हम नहीं बना पाएंगे बार बार इतनी चीजें हम कहां से ले आ पाएंगे। दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं तक रखते हैं उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आपसे हाथ जोड़ के विनती है। तो मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए बाय 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 करो सबने बाय बाय।